जिन औरतों ने अपनी बच्चेदानी ऑपरेशन करा के खत्म कर दी, अगर मैं माधुरी की मतलब गुनाहगार है तो बच्चों को रोका है। पहले मुझे तो ये मसले पढ़ कर भी हैरत होती है कि क्या कोई शरीफ औरत भी ये दोबारा कर सकती है। पहले तो इस किस्म के जो मामला है ना जी के अपने रूम करा देना यूट्रस को, ये तो कंजर वगैरह करवाते थे तवाइफ में ताकि उनको दुर्गाना आप ही मिलते हैं किस किस का अमल ठहरे। पता नहीं शरीफ औरतें भी ऐसा कर सकती इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते हैं जी कि मियां बीवी एक दूसरे के बदन को शर्मगाह को भी देख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल देख सकते हैं। भाई इमाम बीवी जो है एक एक है मकाम अजमत, वो तो बहुत बुलंद है कि बीवी ऐसा फरमाती है कि वल्लाह है मुझे अल्लाह की कसम है मैंने हजूर का बदन शर्मगाह कभी नहीं देखी और हजूर ने मेरी शर्मगाह पे कभी नजर नहीं डाली। ये अजमत वालों का मकाम है। अब तो जनाब वो अंग्रेजों की फिल्में देख देख के कुत्ते की तरह चाटते हैं। अब मसले क्या पूछते हो? तुम्हारा मुकद्दर अल्लाह ने यही बनाया है कि जो पेशाब की जगह है उसी को देखते रहो, तो हम क्या करें? लोग कुरान को देखते हैं, काबे को देखते हैं, तुम क्या देखते हो? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और क्या कह सकते? अच्छा वैसे एक अजीब बात है, हुकमा ने लिखा है कि जो आदमी बहुत ज़्यादा कसरत से अपनी बीवी की शर्मगाह को देखता रहे तो इंशाल्लाह अंधा हो जाएगा। यू रसूल अमा, ये चीज अंधा बनाती है। बार बार इस्तग़फ़ार करो, तौबा करो। अल्लाह ने हलाल बनाया है तवालुद के लिए, तनासुल के लिए। चेहरा देखो, मुंह देखो, बाल देखो, कद देखो, ये कोई देखने की चीज़ है? भलाई मानसे को अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की जब शादी हुई, जवानी का जमाना था, तो सुबह को तलबा साथी होते हैं ना उस जमाने में जो उनके बराबर के लोग थे, उनने कहा हजरत आपकी शादी हो गई, सुहाग रात गुजर गई, आपने हमें बताया ही नहीं कि सुहाग रात आपकी कैसे गुजरी। हजरत की आंखें मुबारक सुर्ख हो गई और जोश में आ गए, फरमान लगे बात सुनो, अगर मेरे नाने की सुन्नत ना होती तो मैं कभी जिंदगी में निकाह ना करता, क्योंकि निकाह मेरे मदनी पाक की सुन्नत है, मेरे नाने की सुन्नत है, मैंने सुन्नत पे अमल किया है। ये कोई बताने की चीज़ है, कोई फ़ख्र की चीज़ है कि एक आलिम दीन जो है एक पेशाब के मकाम पे बैठा हो? मैंने कहा मेरे अगर नबी की सुन्नत ना होती और अल्लाह ने तवालुद और तनासुल का ये जरिया ना बनाया होता कि ज़ौजैन दो जोड़ों से बच्चा पैदा होता है, मैं तो कभी शादी नहीं। क्या मसले पूछने हैं? फिल्में देखो और उनसे सारे सबक हासिल करो और उनका नतीजा और अंजाम भी बहुत ही जल्दी जो है वो निकल आएगा इंशाल्लाह। फिक्र करो।